स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सेकेंड है इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू वन, एंड थर्ड इज नॉर्मल फॉर्म. दीज थ्री फॉर्म्स आर सेट टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. और जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसको ट्रांसफॉर्म करना है इन थ्री स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसको कन्वर्ट करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y एक साइड में है और कॉन्स्टेंट टर्म और टर्म ऑफ x राइट साइड में है. तो हमने यही किया कि डी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ए एक्स और सी को राइट साइड में लिया, और जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y का कॉन्स्टेंट वन है, तो यहाँ y का कॉन्स्टेंट डी एक्स बी से डिवाइड कर दिया. तो ये फॉर्म बन गई है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की. तो हियर m इज माइनस ए बाई बी एंड c इज माइनस सी बाई बी. तो स्लोप हो गया माइनस ए बाई बी और y इंटरसेप्ट हो गया हमारे पास c बाई बी. तो a स्लोप m इज माइनस ए बाई बी है ना, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. उसी तरीके से जो कांस्टेंट टर्म है y इंटरसेप्ट, वो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y हुआ. ये y इंटरसेप्ट इज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. तो ax plus by plus c equal to 0 अगर लाइन की इक्वेशन है, तो स्लोप इज माइनस ए बाई बी एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस c बाई. नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में x और y, x by a plus y by b equal to 1 होता है, x और y की टर्म एक साइड और राइट साइड में कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट भी 1. तो हमने माइनस सी कर लिया राइट साइड में और माइनस सी से फिर इसको डिवाइड कर दिया. तो फॉर्म बन गई है हमारे पास x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस y अपॉन माइनस सी बाई बाई इक्वल टू 1. ये है x इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए और y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई. तो जो x इंटरसेप्ट माइनस सी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, और जो y इंटरसेप्ट है वो है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म देखिए. नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल टू जीरो. ठीक है, इक्वल टू p होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. तो उसको भी हमने लेफ्ट साइड में ले लिया. और जो जनरल इक्वेशन है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, और दोनों को कंपेयर कर लिया. x का ऑप्शन वहां पर a है और यहाँ पर cos अल्फा, तो a अपॉन cos अल्फा. y का ऑप्शन वहां पर b है और यहाँ पर sin अल्फा, b अपॉन sin अल्फा. वहां कॉन्स्टेंट टर्म है c, यहाँ माइनस के c. तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस ए पी अपॉन सी, और साइन अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी पी अपॉन सी. स्क्वायर करके ऐड कर दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे ए स्क्वायर, माइनस तो प्लस हो जाएगा दोनों टर्म में. तो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा राइट साइड में वन, पी स्क्वायर राइट साइड में गया और नीचे ए आएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर. और पी नहीं लेना है तो प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये पी की वैल्यू आ गई हमारे पास. और अगर हमारे पास पी की वैल्यू आ गई है तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करके कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस पी की वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सी तो कैंसिल ही हो गया, तो ये माइनस प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा हो गया प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो ये हो गया कन्वर्जन एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, ई प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस अल्फा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. हाँ बोलिए सर, ये a by cos alpha is equals to b by sin alpha is equals to c by minus b कैसे लिखते हैं सर? ये कंपेयर किया उसको, ये तो जो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है x cos alpha plus y sin alpha equal to p होती है. ठीक है ना, और हमारी जो इक्वेशन है वो है ax plus by
प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है ए, वहां है कॉस अल्फा, तो ए अपॉन कॉस अल्फा। वाई का कोएफिशिएंट है बी, उधर है साइन अल्फा, बी अपॉन साइन अल्फा। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है सी और उधर है माइनस पी, तो सी अपॉन माइनस पी। दोनों एक ही इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है और वो उसकी नॉर्मल फॉर्म है, तो इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करें। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। देखिए, दो स्ट्रेट लाइन को अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो सिंपल एक तरीका है कि उन दोनों को सॉल्व कर दीजिए एक्स और वाई के लिए। तो जो सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी वही उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम यहाँ जैसे देखते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। हम इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, एक्स अपॉन वाई अपॉन वन अपॉन। तो एक्स अपॉन जब करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये होंगे बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। ठीक है, वाई का करेंगे तो ये ए वन y का करेंगे तो ये ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। ये माइनस में होता है, सेकंड वाली टर्म माइनस में होती है। ठीक है, जो डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं। ठीक है, और थर्ड को करेंगे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बी वन, ये फर्स्ट और थर्ड को अगर करेक्ट कर लें तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। वाई की वैल्यू आएगी ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, इसलिए क्योंकि ये सिक्स अननोन वैल्यूज है, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। लेकिन जब ये सॉल्व करने के लिए वैसे मिलेंगी आपको, जब जरूरत पड़ेगी इसकी, तो नॉर्मली ये क्या होती है, न्यूमरल्स होते हैं। टू थ्री फाइव, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ऐसी इक्वेशन मिलती है। तो सॉल्व करके सिंपली वैल्यू आ जाती है एक्स वाई की, वही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, कंकरेंट लाइन होती है जब तीन स्ट्रेट लाइन किसी एक ही पॉइंट से पास हो जाए, तो लाइन्स आर सेट टू बी कंकरेंट। तो उन लाइन्स को हम कंकरेंट लाइन बोलते हैं, जब तीन स्ट्रेट लाइन किसी एक, दो स्ट्रेट लाइन तो हमेशा एक ही पॉइंट से पास हो जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगी अगर पैरेलल नहीं, अगर थर्ड स्ट्रेट लाइन भी उसी पॉइंट से पास हो जाए तो लाइन्स आर सेट टू बी कंकरेंट। तो ये तीन स्ट्रेट लाइन हमने ले ली, एल वन एक्स, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, इसको हमने एल वन से रिप्रेजेंट किया, ये एल वन इक्वल टू जीरो है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो, एल वन एल टू एल थ्री। तो एल वन इक्वल टू जीरो एक लाइन, एल टू इक्वल टू जीरो दूसरी लाइन, एल थ्री इक्वल टू जीरो तीसरी लाइन। एक तरीका तो ये है कि दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, और अगर थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से पास होती है वो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो दो स्ट्रेट लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके उसको थर्ड स्ट्रेट लाइन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो, और वो सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये लाइन कंकरेंट होगी, तो लाइन्स आर कंकरेंट। ठीक है, yes, एक तरीका तो ये है। अच्छा, या फिर जैसे यहां पर किया है, ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमने ऊपर निकाला हुआ ही था, और इसको थर्ड लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब थर्ड लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसको रीअरेंज किया, तो ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में बन जाता है, डिटरमिनेंट ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री इक्वल टू जीरो। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशियंट्स है अगर वो जीरो है तो इट मीन्स के लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो जाती है, यानी कि लाइन आपस में कंकरेंट। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन। एक और भी तरीका है, वो तरीका है कि अगर ऐसा हो कि तीन कॉन्स्टेंट एल वन लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री अगर इस तरह के मिल सकते हैं, मिल जाए कि जिनको तीनों स्ट्रेट लाइन में मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करें और जीरो हो जाए, एल वन लैम्डा वन प्लस एल टू लैम्डा टू प्लस एल थ्री लैम्डा थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री अगर तीन कॉन्स्टेंट हो, नॉट ऑल जीरो, ये तीनों आप तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, अगर तीनों जीरो हो गए तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, चाहे वो कॉन्स्टेंट नहीं भी है सब। तो अगर ये तीन लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट सच दैट एल वन लैम्डा वन एल वन प्लस लैम्डा टू एल टू प्लस लैम्डा थ्री एल थ्री इक्वल टू जीरो, तो लाइन्स आर कंकरेंट। देखिए, एक एग्जाम्पल है
Yeah, find the value of lambda. Is the line 3x minus 4y minus 13 equal to 0? 5x minus 11y minus 3 equal to 0? 2x minus 3y plus lambda equal to 0? Or panther. So, in case of coefficients, 3 minus 4 minus 13. ठीक है, ये है 8 माइनस 11 माइनस 33 और ये 2 माइनस 3 लैम्डा, तो इनका जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अगर इसको 0 पुट करेंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस लाइन का आंसर है इसको सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू 7 है। नाउ एक और करते हैं, ये है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। किसी लाइन की इक्वेशन तो एक गिवन लाइन के पैरेलल है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। देखिए अगर लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखी, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस ए बाई बी होगा। जो इसके पैरेलल लाइन है उसका स्लोप भी माइनस ए बाई बी ही होगा। तो लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक तो स्लोप चाहिए और एक y इंटरसेप्ट चाहिए। y इंटरसेप्ट हमने अज्यूम कर लिया k और y इक्वल टू एम एक्स, एम तो यही काम करेगा क्योंकि लाइन पैरेलल है स्लोप इक्वल होंगे, तो y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस के और इसको b से मल्टीप्लाई कर लें, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी के और ए एक्स को लेफ्ट साइड मिले, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा। आप देखो अगर कंपेयर करोगे, एक तो ये लाइन जो हमें दी गई थी और जो पैरेलल लाइन जो हमारे पास आई है, आप देखोगे इनमें इनमें जो वेरिएबल पोर्शन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है ए एक्स प्लस बी वाई, तो डिफरेंस किस में है, केवल कांस्टेंट टर्म है। इट मींस कि अगर हमें कभी किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो वेरिएबल पोर्शन को सेम रखते हुए अगर हम केवल कांस्टेंट को बदल देंगे तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 2x + 3y + 11 = 0, इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर इसके पैरेलल लेनी है तो वेरिएबल पोर्शन सेम रखेंगे 2x plus 3y इक्वल टू लैम्डा या प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, कुछ भी कर सकते हैं, कांस्टेंट बदलेंगे। तो हमने इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिख दी 2x plus 3y इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू के लिए कोई और कंडीशन भी होगी, वगैरह विच इज सच दैट द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 15। जो इसके इंटरसेप्ट हैं ऑन द एक्सिस उनका सम 15 है। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए या तो हमें फॉर्मूले पता हो, माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी होते हैं इंटरसेप्ट, या फिर हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, लैम्डा से अगर डिवाइड कर लें इसको तो एक्स अपॉन लैम्डा बाई टू हो जाएगा प्लस वाई अपॉन लैम्डा बाई थ्री हो जाएगा इक्वल टू वन। तो जो इंटरसेप्ट है इसके वो लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई थ्री होंगे, तो लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई थ्री इक्वल टू 15। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए विच इज पैरेलल टू ए गिवन लाइन वेरिएबल पोर्शन को सेम रखते हुए अगर केवल कांस्टेंट को बदल देते हैं तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, अगर किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखें। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है। ये है लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका स्लोप है m और m की वैल्यू है माइनस ए वाई बी, और अगर परपेंडिकुलर लाइन ले लें उसका स्लोप ले लें m1, तो m m1 इक्वल टू माइनस वन होगा, m1 इक्वल टू माइनस वन अपॉन m, तो माइनस वन अपॉन m करेंगे तो ये b बाई ए हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज b बाई ए, और अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में y इक्वल टू बी बाई ए एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट y इंटरसेप्ट, ए राइट साइड में गया ए वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए के और दिस कैन बी रिटन बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू लैम्डा। देखो यहां पर जो लाइन की इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई, ये वाली बी एक्स माइनस ए वाई दिस वन इक्वल टू लैम्डा, ये इसमें क्या हुआ है, एक तो जो वेरिएबल थे एक्स और वाई उनके कॉफिशियंट इंटरचेंज हो गए, वहां ए एक्स प्लस बी वाई था या बी एक्स माइनस ए वाई हो गया, और दूसरा जो साइन बिटवीन टू टर्म्स है वो भी चेंज हो गया, वो प्लस की जगह माइनस हो गया। तो दो काम हमें करने पड़ेंगे, कॉफिशियंट बदलेंगे और बीच का साइन बदल देंगे, डेफिनेटली कॉन्स्टेंट तो चेंज होना ही है।
जब हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखी तो वेरिएबल पोर्शन सेम रखा था, केवल कांस्टेंट वेरिएबल किया था। यहाँ पर वेरिएबल पोर्शन में वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट बदल जाएंगे और बीच का साइन बदल जाएगा और कांस्टेंट बदल जाएगा। तो ये हुई इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। एक सम देखें जरा इसका, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 माइनस 2 ऑन द लाइन 2x minus y plus 1 equal to 0। ये एक लाइन है 2x minus y plus 1 equal to 0 और ये P पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। दिस इज द लाइन, ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन 2x minus y plus 1 equal to 0 और यहाँ पॉइंट 1 minus 2 से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट जाता है Q पॉइंट से, ठीक है। ये जो Q पॉइंट है ये PQ और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल जो ये लाइन है इसके 2x minus y plus इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हमारे पास PQ की इक्वेशन आ जाए तो इनको दोनों को सॉल्व करके वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज पॉइंट Q फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो PQ की इक्वेशन लिखनी है, तो PQ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो ये लाइन है 2x minus y plus 1 equal to 0 और अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो कोएफिशिएंट को बदलेंगे, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट म्यूचुअली इंटरचेंज करेंगे, ये x और बीच का साइन बदल, तो x plus 2y equal to lambda हो जाएगा, ये x plus 2y equal to lambda और ये जो लाइन है ये 1 minus 2 पॉइंट से पास होती है, तो 1 minus 4 equal to lambda यानी कि lambda की वैल्यू होगी minus 3, तो लाइन की इक्वेशन होगी x plus 2y plus 3 equal to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो ये लाइन की इक्वेशन आ रही थी PQ की, इसकी इक्वेशन हमारे पास है, दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यस सर, angle between two straight lines when their equations are given, दो straight lines के बीच में angle जबकि उनकी equation given है। देखिए ये हमने angle between two straight lines हमने पहले भी किया था लेकिन तब हमें slope given था, उनका equation given नहीं थी, केवल slope given था और हमने formula apply किया था tan theta equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, ठीक है। नाउ अगर इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइन की तब एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, अनदर लाइन इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दूसरी लाइन है। अगर इनके स्लोप देखें हम, स्लोप होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कॉफिशियंट ऑफ y, तो m1 फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस ए वन अपॉन बी वन और जो सेकेंड स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा m2 इक्वल टू माइनस ए टू अपॉन बी टू, ठीक है। देखिए यह है टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, द वैल्यू ऑफ m1 इज माइनस ए वन बाई बी वन और वैल्यू ऑफ m2 इज माइनस ए टू बाई बी टू, ये हम वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, मॉडुलस ऑफ माइनस ए वन बाई बी वन ये प्लस हो जाएगा ए टू बाई बी टू अपॉन वन प्लस ए वन बाई बी वन इंटू ए टू बाई बी टू, यहाँ पर बी वन बी टू एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर में भी बी वन बी टू एलसीएम होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमिनेटर में बनेगा माइनस ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन और डिनोमिनेटर में बनेगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन, tan theta equal to a2 b1 minus a1 b2 upon mod upon a1 a2 plus b1 b2 modulus, ठीक है। नाउ कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, अगर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म देखें, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म मतलब थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो तो tan theta भी जीरो और tan theta जीरो तो ये न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, a2 b1 minus a1 b2, तो a2 b1 minus a1 b2 equal to zero implies a1 a2 equal to b1 b2, ये है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के पैरेललिज्म की कंडीशन, a1 a1 by a2 equal to b1 by b2। देखिए जरा पैरेललिज्म दो तरीके से हो सकती है, या तो लाइन प्योर पैरेलल हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या तो ये, या फिर अगर लाइन कोइंसिडेंट है तब भी पैरेलल है, एंगल बिटवीन देम इज जीरो ऑलवेज, व्हेन लाइंस आर
पैरेलल और लाइंस आर कोइंसिडेंट. तो कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनिटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पैरेलल का मतलब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दोनों ही केस में एंगल जीरो होगा. तो ये कंडीशन A1 by A2 equal to B1 by B2 दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, लेकिन ये दो डिफरेंट केसेस हैं. इसको आगे एलोबरेट करेंगे हम. नाउ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू स्ट्रेट लाइन. कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी, एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई टू, टेन थीटा इज इनफाइनाइट, और टेन थीटा अगर इनफाइनाइट होगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. डिनोमिनेटर है A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू जीरो. तो ये है कंडीशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर. अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू जीरो. नाउ देखिए, दो लाइन्स में कुछ रिजल्ट, अगर उनके आपस के रिलेशनशिप देखें तो दो लाइन्स हो सकता है इंटरसेक्ट करें. अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो देयर विल बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या हो सकता है कि वो पैरेलल हो जाए, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. थर्ड केस है ओवरलैप कर जाए, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और फोर्थ केस है कि इंटरसेक्ट करती है और उसमें स्पेशली वो परपेंडिकुलर है. स्पेशल केस है जो परपेंडिकुलर है, बोथ स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास. तो फर्स्ट के इंटरसेक्टिंग है लाइन्स. अगर इंटरसेक्टिंग है तो A1 by A2 is not equal to B1 by B2. This is the condition for the lines to be intersecting. और अगर उसके साथ वो परपेंडिकुलर भी हो जाए, इंटरसेक्टिंग है और परपेंडिकुलर है, तो ये जो कंडीशन थी अभी A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होंगी इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर है तो इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है तो A1 by A2 is not equal to B1 by B2, और परपेंडिकुलर है तो A1 A2 plus B1 B2 equal to 0. अगर पैरेलल है, इफ द एंगल बिटवीन देम इज जीरो, तो फर्दर टू केसेस आर देयर. लाइंस आर पैरेलल, प्योर पैरेलल, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और लाइंस आर कोइंसिडेंट, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इफ लाइंस आर पैरेलल, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2. एंड इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, देन A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2. देखिए, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 तो ये रहेगा ही अगर एंगल बिटवीन देम इज जीरो. अगर ये C1 by C2 के भी इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है, और ये C1 by C2 के इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल लाइंस है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू. क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. देखिए, एक सम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द स्ट्रेट लाइन 2x plus 3y plus 4 plus k and 6x minus y plus 12 is perpendicular to the line. ये है 2x plus 3y plus 4 plus k into 6x minus y plus 12 equal to 0 is perpendicular to the line 7x plus 5y minus 4 equal to 0. ये दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं. अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो A1 by A2, A1 A2 plus B1 B2 must be equal to 0. ठीक है, तो इसको पहले तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने किया, ये 2x है और यहाँ पर प्लस के केस 6 है, k into 6x, तो 2 plus 6x, 2 plus 6k into x plus 3 minus k into y plus 12k plus 4 equal to 0. एक लाइन ये है, और सेकंड लाइन इज 7x plus 5y minus 4 equal to 0. Here A1 is 2 plus 3k, B1 is 3 minus k, A2 is 7 and B2 is 5, and condition of perpendicularity is A1 A2 plus B1 B2 equal to 0. So 7 into 2 plus 6k plus 5 into 3 minus k equal to 0. So you will get the value of k. ये k की value आ गई आपके पास 1/47. तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. लाइंस आर परपेंडिकुलर, A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0. एक और देखिए, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A2A एंड -23 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पॉइंट A.
देखिए यहाँ हम स्लोप भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लाइन की इक्वेशन नहीं है. अगर लाइन की इक्वेशन होती तो डायरेक्टली हम a1 a2 plus b1 b2 equal to 0 कर लेते. यहाँ पर लाइन की इक्वेशन नहीं है, दो पॉइंट है, तो वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. तो जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा 3 - 2a - 2 - a. दिस इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन. और सेकंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखें -a/b से तो -a 4/3. दिस इज द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन. और इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा. m1 m2 = -1. ठीक है, m1 m2 = -1. तो m1 m2 = -1 पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. वैल्यू ऑफ a आपको मिल जाएगा. ठीक है, और अगर ये इक्वल है तब ये लाइन लाइन हो जाएगी पैरेलल. इन दैट केस द लाइन विल बी पैरेलल. If slopes are equal, lines are parallel. If slopes, the product of slopes is -1, the lines are perpendicular. Okay. Now, distance of a point from a line. Distance of a point from a line. ये एक straight line है, and the equation is ax plus by plus c equal to 0. और यहां एक पॉइंट पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, एक्स वन वाई वन. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट लेंगे हम एक्स वन वाई वन. और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी गिवन बाय मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट on the straight line. Point है x1 y1 और line की equation है ax plus by plus c equal to 0. So length of perpendicular is modulus of ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. Distance of origin from a line. यह length of perpendicular from the origin on a line. यह डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. डिस्टेंस अगर ओरिजिन से लेंगे तो x1 y1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी. यहाँ x1 y1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये लेंथ है इसलिए मॉडुलस. ठीक है, नाउ एक सवाल है इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन x/a + y/b = 1, then prove that 1/a² + 1/b² = 1/p². अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p होगा. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज p अपॉन अंडर रूट a² + b². हियर c इज 1 माइनस 1 एंड a इज 1/a एंड b इज 1/b. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p हो जाएगा 1/√(1/a² + 1/b² 1/a² + 1/b² अंडर रूट लेफ्ट साइड में चला जाएगा और p राइट साइड में नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a² + 1/a² + 1/b² = 1/p² बन जाएगा. एक और देख सकते हैं, सर नोट कर सकते हैं. इफ p एंड p डैश बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. अगर p और p1 परपेंडिकुलर हैं ओरिजिन से दो स्ट्रेट लाइन पर एंड द स्ट्रेट लाइन आर x cos θ + x sec θ + y cosec θ = a एंड सेकेंड लाइन इज x cos θ - y sin θ = a cos 2θ. देन प्रूव दैट 4p² + p′² = a² ठीक है. ये तो फर्स्ट वाला जो अभी से पहले हम किया था ये उसका सोल्यूशन है. और ये जो सेकेंड है इसका है ये आप कर सकते हैं. ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने. पहले ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p. सेकेंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सेकेंड स्ट्रेट लाइन पर लेंथ ऑफ ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p डैश और फिर वैल्यू डाल देंगे. यूल
Now, distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. ये दो पैरेलल लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने बताया था आपको कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनका वेरिएबल पोर्शन सेम रहता है, क्योंकि स्लोप सेम होता है, केवल कांस्टेंट डिफर करता है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका ए एक्स प्लस बी वाई जो वेरिएबल पोर्शन है वो आइडेंटिकल होगा, केवल कांस्टेंट वेरी करेगा सी वन और सी। अगर ऐसा हो कि इनके जो वेरिएबल पोर्शन है ये सेम नहीं हो तो ये कुछ मल्टीपल होता है, एक लाइन का वेरिएबल पोर्शन दूसरे लाइन के वेरिएबल पोर्शन का कुछ मल्टीपल होगा, अगर हम उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो वेरिएबल पोर्शन सेम होगा। तो हमने ये लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो लेंथ बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसका तरीका ये है करने का कि मान लीजिए इस लाइन पर हम कोई पॉइंट ले लें P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्योंकि ये पॉइंट इस फर्स्ट लाइन पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। और इस x1 y1 पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें सेकंड स्ट्रेट लाइन पर, तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, क्योंकि लाइन पैरेलल है। और x1 y1 से अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन है इसकी वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो फर्स्ट हमने इक्वेशन बनाई है ये ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन की वैल्यू होगी माइनस से सी वन। तो ये सी टू माइनस सी वन मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। क्लियर है? इसका एक तरीका और है। एक तरीका ये है कि जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, दो पैरेलल है, तो ये सपोज ओरिजन है यहाँ पर। अगर हम ओरिजन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें दोनों स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों परपेंडिकुलर कोलिनियर होंगे, एक ही पॉइंट पर आएंगे। और अगर ये मैं ले लूं कि ये पॉइंट पी है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है और सेकंड स्ट्रेट लाइन को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू है पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन है दैट विल बी पी क्यू माइनस ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन होगा सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और माइनस करेंगे ओपी, ओपी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट लाइन, वो होगा सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी तो यू विल गेट सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही तरीके, या तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए दोनों स्ट्रेट लाइन पर और जो डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, या किसी एक पैरेलल लाइन पर किसी एक लाइन पर हम कोई पॉइंट अज्यूम कर लें और उसको सेकेंड उस पॉइंट से सेकेंड स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेट। ठीक है? यस सर। चलिए सर, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन, दो पॉइंट का किसी एक लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन। ठीक है, सपोज आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये पी आर एक ये एक स्ट्रेट लाइन है और दो पॉइंट है आपके पास। वे दो पॉइंट या तो स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में हो सकते हैं, जैसे पी और क्यू एक ही साइड में, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, या एक पॉइंट लेफ्ट साइड में हो सकता है, एक पॉइंट राइट साइड में हो सकता है। तो दो पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन में जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके का हो सकता है, या तो दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड में लाई करते हैं या दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में लाई करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये P और Q को मैं ज्वाइन करा दूं, अगर ये अपोजिट साइड में P और Q को ज्वाइन करा दूं, तो ये सपोज R पॉइंट पर लाइन को इंटरसेक्ट कर गए, या फिर अगर ये एक ही लाइन पर थे, अगर एक ही साइड में थे, तब अगर मैं P और Q को ज्वाइन कराता तब PQ को ज्वाइन कराने पे आगे प्रोड्यूस करने से ये उस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करते। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों ही केस में मैंने लिया है R। ठीक है, एक पॉइंट P को फिक्स रखा है
और क्यू पॉइंट एक बार लिया लेफ्ट साइड एक पी की साइड में और एक बार लिया क्यू पॉइंट को रखा एक बार पी की साइड में और एक बार अपोजिट साइड. दोनों ही केस में जो आर पॉइंट है उसका रेशियो पी पॉइंट से और क्यू पॉइंट से डिस्टेंस का वो एन इज टू एन है. सपोज एक बार ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है आर पॉइंट और एक बार ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पी क्यू. अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो एम एक्स टू इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन. ये एक्स वन वाई वन है ये एक्स टू वाई टू ये भी एक्स टू वाई टू है ये एक्स थ्री वाई थ्री लिया है ये भी एक्स टू वाई टू मान लिया इसको भी क्योंकि वो वही पॉइंट है. हम दूसरे पॉइंट को हमने दो केस बना लिए कि एक ही साइड में है या अपोजिट ठीक है. और ये जो पॉइंट है आर दिस लाइज ऑन द लाइन ये लाइन पर लाई करता है और लाइन की इक्वेशन क्या है लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो ये जो पॉइंट आर है ये इसको सेटिस्फाई करेगा. यहां हमने इसको सेटिस्फाई कर लिया ए इंटू एन एक्स टू प्लस एन एक्स वन divided by m plus n plus b into m y2 plus n y1 divided by m plus n plus c equal to 0. इसको satisfy करा जब हमने तो हमारे पास m और n का रेशियो आ गया और यह है माइनस ए एक्स टू प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी. जरा देखिए ये माइनस आने का मतलब ये है ये जो माइनस है ये एक्चुअली डिपेंड करता है इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन पर. अगर रेशो माइनस में आती है तो हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है. अगर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है इसका मतलब दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड में. और अगर ये एम बाई एम पॉजिटिव हो इसका मतलब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है. अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसका मतलब दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में. अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव कब हो सकता है ये बाहर क्योंकि नेगेटिव है. अगर इन दोनों के साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी अगर इन दोनों के साइन अपोजिट हो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तब ये एन बाई एन पॉजिटिव बनेगा. अगर एन बाई एन पॉजिटिव बनेगा तब ये लाइन इंटरनली ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को और उस केस में दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में होंगे. तो कंडीशन ये बनी है ये दो पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में तब होंगे जब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी अपोजिट साइन के हैं. और ये क्या है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ये एक्स वन वाई वन पॉइंट को और एक्स टू वाई टू पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसकी वैल्यू है. तो सिंपल रूल ये हो गया कि जो लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर उन दोनों पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दें और उन दोनों के साइन अपोजिट आ जाए एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए ठीक है. अगर उन दोनों के साइन अपोजिट आ रहे हैं अपोजिट आए तो ये m by n पॉजिटिव हो जाएगा इंटरनली डिवाइड करेगा और दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में होंगे. तो रूल बनाइए कि पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों लाइन की इक्वेशन में. अगर लाइन अगर दोनों के साइन अपोजिट है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब लाइन पॉइंट लाइन के दोनों साइड में लाई करेंगे. अगर ये पॉजिटिव आए मतलब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इन दोनों का दोनों के साइन सेम हो या तो दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों उस केस में ये जो रेशियो है ये पॉजिटिव होगा और बाहर नेगेटिव है तो टोटल नेगेटिव हो जाएगा. तो एम बाई एन नेगेटिव होगा और एम बाई एन नेगेटिव होगा तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कब करेगा जब पॉइंट दोनों लाइन के एक ही साइड में होंगे. तो अगर इनके साइन सेम है तो लाइन दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड में है और अगर इनके साइन अपोजिट है तो ये दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में. तो सिंपल रूल ये बना कि सिंपली पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. अगर दोनों के साइन सेम आते हैं तब तो वो एक ही साइड में है और दोनों के साइन अपोजिट आते हैं तब वो अपोजिट साइड है. क्लियर है? यस सर. सर दो मिनट नोट नहीं करा वो जो तीन लाइन है क्या? तो सर ऊपर तीन ऊपर जो तीन लाइन थी वो नोट नहीं करी.
हाँ सर ये नहीं सर, जो एम इज टू एन के बाद लिखी है। जाना है नीचे आना है। जो एम इज टू एन इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी थ्री तो है आइए ए। यस सर। ठीक है, हो गया। यस सर। चलिए ना, नाउ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक एल वन और एक एल टू, दे आर टू स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ये और एक स्ट्रेट लाइन ये। दिस स्ट्रेट लाइन इज एल वन एंड दिस इज एल टू। ये एल वन और एल टू दो स्ट्रेट लाइन है, और ये जो इनके एंगल हैं, ये एंगल, ये बी टू इज द एंगल वाई सेक्टर, ये एंगल वाई सेक्टर, और इधर का एंगल वाई सेक्टर है डी वन। तो दो एंगल बाई सेक्टर है, इन एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशन लिखी। ठीक है, अगर लाइन है हमारे पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और सेकेंड लाइन इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, देन इक्वेशन ऑफ बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर इज गिवन बाय, क्योंकि दो होंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। देखिए होता क्या, बाई सेक्टर में क्या होता है कि बाई सेक्टर में आप कोई भी पॉइंट लोगे और उस पॉइंट से दोनों स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल आएगा। तो ये पहले फर्स्ट पॉइंट हमने पॉइंट ले लिया एक्स वाई, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फर्स्ट स्ट्रेट लाइन पर, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर मॉडुलस, और इसी तरीके से सेकंड है मॉडुलस ऑफ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होंगे, और अगर मॉडुलस हटा दे तो प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस होने का मतलब है कि दो स्ट्रेट लाइन आपको ऐसी मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए क्योंकि दो आपके बाइसेक्टर्स होंगे। तो ये है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। देखिए अब ये दो बाइसेक्टर, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कभी भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हमेशा उनके बीच में दो एंगल बनते हैं। एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। ठीक है, अगर दो एंगल बनेंगे, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूस होगा, एक एंगल एक्यूट होगा और एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, अगर वे परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों ही 90 डिग्री होंगे, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूस होगा। अब ये दो बाइसेक्टर हैं आपके पास, इन दो बाइसेक्टर में से हमें ये पता करना है कि एक्यूट बाइसेक्टर कौन सा है। एक बाइसेक्टर ये हुआ और एक बाइसेक्टर ये हुआ, तो दो बाइसेक्टर में से हमें पता करना है कि एक्यूट बाइसेक्टर कौन सा है और एक ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा बाइसेक्टर है जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ऐसा कौन सा बाइसेक्टर है जो ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट। उसका तरीका ये है कि मान लीजिए ये लाइन है आपकी L1 और ये लाइन है आपकी L2। ठीक है, ये सपोज बाइसेक्टर है B1 और ये बाइसेक्टर हम ले लेते हैं सपोज दिस इज B2। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बाइसेक्टर ले लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। सपोज मैंने ये L1 स्ट्रेट लाइन ले लिया और B1 बाइसेक्टर ले लिया, और हम इनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट, एक बाइसेक्टर और एक स्ट्रेट लाइन। तो टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 से आ जाएगा। अगर ये टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मॉडुलस लेते हैं, लेकिन मॉडुलस को छोड़ दीजिए, तो या तो वो पॉजिटिव आ जाएगी या फिर नेगेटिव आ जाएगी।
अगर ये पॉजिटिव आती है, सॉरी टेन थीटा की वैल्यू अगर वन से ज्यादा होती है, मॉडल ही रहने दीजिए, अगर टेन थीटा की वैल्यू वन से ज्यादा आती है तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 45 से ज्यादा है, एंगल बिटवीन देम इज ग्रेटर देन 45, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू वन होती है और अगर 45 से ज्यादा एंगल तो टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाती है। अगर ये एंगल 45 से ज्यादा है तब ये पूरा एंगल 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो बाइसेक्टर आपने लिया ये ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है और जो दूसरा नहीं लिया है वो एक्यूट बाइसेक्टर है। और अगर टेन थीटा की वैल्यू लेस देन वन होती तब इसका मतलब ये एंगल 45 से कम है और पूरा एंगल हमारा 90 से कम हो जाएगा, तब ये एक्यूट बाइसेक्टर होगा और जो दूसरा एंगल बचेगा वो हम दूसरा बाइसेक्टर बचेगा वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। तो ये पता करना कि दो बाइसेक्टर में से कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल है हमारे पास। अच्छा, एक तो ये कि ऑब्ट्यूज और एक्यूट को हम देखते हैं कि कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल को बाइसेक्टर है और कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्टर है। एक ये भी देखते हैं जो चार पार्ट बनते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उन फोर पार्ट्स में से कहीं ओरिजिन लाई करता है, तो ओरिजिन किस एंगल में लाई करता है या उस बाइसेक्टर की इक्वेशन जिसमें ओरिजिन लाई करता है, उस बाइसेक्टर की इक्वेशन जिसमें ओरिजिन लाई करता है उसके कुछ रूल है हमारे पास। देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, इसको नोट करना है प्रॉपर, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, उस बाइसेक्टर की इक्वेशन जो उस एंगल को बाइसेक्ट करता है जिसमें ओरिजिन है, ठीक है। इसका वर्किंग रूल ये है कि मेक C1 एंड C2 ऑफ द सेम साइन, जो लाइन की इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उनको सेम साइन की बना दो, प्रेफरेबली इनको पॉजिटिव कर लेना चाहिए, अगर नेगेटिव हो तो माइनस से मल्टीप्लाई। द बाइसेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव साइन, उसके बाद दो बाइसेक्टर आएंगे, एक बाइसेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ में एक नेगेटिव साइन के साथ में, तो जो पॉजिटिव बाइसेक्टर है दैट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। क्लियर है, याद रहेगी ये बात कि अगर हम कॉन्स्टेंट टर्म को पॉजिटिव कर लें दोनों की और फिर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करें तो जो पॉजिटिव बाइसेक्टर है वो उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा जिसमें ओरिजिन लाई करता है। अब हम देख रहे हैं कि बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, मतलब हम ये पता करना चाहते हैं कि कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसमें भी वही है कि हम C1 और C2 को पॉजिटिव कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको पॉजिटिव कर लेंगे, सेम साइन की कर लेंगे, ठीक है, और फिर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन फाइंड आउट करते हैं। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन फाइंड आउट करते हैं। अब ये A1 A2 प्लस B1 B2 या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया तब तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है, तब तो कोई भी ऑब्ट्यूज और कोई भी एक्यूट एंगल नहीं है, दोनों ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो लेकिन अगर ये A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, अगर ये पॉजिटिव है, A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ये पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव बाइसेक्टर है वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होगा और डेफिनेटली फिर दूसरे वाला नेगेटिव वाला एक्यूट बाइसेक्टर। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज पॉजिटिव then positive bisector is obtuse bisector. और अगर A1 A2 plus B1 B2 की वैल्यू negative है तो negative bisector is the obtuse bisector. मतलब जो obtuse bisector का साइन है वो A1 A2 plus B1 B2 के मैच होगा। अगर ये positive है तो positive वाला bisector obtuse bisector होगा और अगर ये negative है तो negative वाला bisector obtuse bisector. इसको नोट करना है properly. ये पॉइंट्स है, इसको पूरे को देखिएगा। देखिए, पहले हमने किया कि उस बाइसेक्टर की इक्वेशन जो उस एंगल को बाइसेक्ट करता है जिसमें ओरिजिन लाई था, और फिर हमने ये देखा कि बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट की कि ऑब्ट्यूज बाइस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर कौन सा है और
एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर फंक्शन। अब हम देखना चाहते हैं कि ओरिजिन कहाँ लाई करता है, ओरिजिन एक्यूट एंगल में लाई करता है या एक्यूट एंगल में लाई करता है। ओरिजिन के लिए हमने देखा था कि अगर हम C1 C2 के साइन को पॉजिटिव कर लें और तब हम जो पॉजिटिव बाइसेक्टर होता है हमारा, जो पॉजिटिव बाइसेक्टर होता है वो हमारा उस एंगल का बाइसेक्टर होता है जिसमें ओरिजिन लाई करता है, पॉजिटिव बाइसेक्टर। लेकिन जब हम ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाले बाइसेक्टर्स को देख रहे थे तो हमने ये देखा कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है तब तो जो पॉजिटिव बाइसेक्टर है वो ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर है और पॉजिटिव बाइसेक्टर में ओरिजिन लाई करता है। पॉजिटिव बाइसेक्टर जहां है वहां ओरिजिन लाई करता है। इसका मतलब ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल में लाई करता है इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज पॉजिटिव। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है तो ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल में लाई करेगा, ठीक है, और जो बाइसेक्टर होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होता है। जो पॉजिटिव बाइसेक्टर है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो जो पॉजिटिव बाइसेक्टर है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज नेगेटिव। तो इट मींस ओरिजिन कहां लाई करेगा, ओरिजिन तो वहां लाई करता है जहां पॉजिटिव बाइसेक्टर आता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है हमारे पास कि A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0 देन ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूस एंगल एंड इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज लेस देन 0 देन ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल। ये है पॉइंट, ये है सेकंड, ठीक है, याद रहेगा। नाउ लास्ट सेशन में फैमिली ऑफ लाइंस टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। देखिए अगर दो लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन और एक ये लाइन, L1 एंड L2 आर टू स्ट्रेट लाइन, तो उनको इंटरसेक्ट करने वाली, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होती है। और ये सारी लाइन में एक सिमिलरिटी है कि ये एक ही पॉइंट से पास होती है इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दिस इज द फैमिली ऑफ लाइंस एक्चुअली, और वी आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। और ये L1 एक स्ट्रेट लाइन है, A1x1y + L2 another straight line A2x2y + C2 = 0, then equation of family of line is given by L1 + λ L2 = 0 plus second lambda times second line = 0. This is the equation of family of straight lines.